दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट ये है, एक बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए, ठीक है। जितने भी सीजी टेट के अभ्यर्थी हैं, जितने भी छत्तीसगढ़ से जो है टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर करने वाले हैं, तो जो भी बीएड के विद्यार्थी हैं, बीएड सेकेंड ईयर या फिर बीएड कंप्लीट कर चुके विद्यार्थी हैं, जिन्होंने सीजी टेट का फॉर्म भरा हुआ था या फिर जो भी भरने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, ठीक है। तो उसी के बारे में आगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके टेट से और बीएड से रिलेटेड हर एक वैकेंसी और टेट से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए आपको ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बगल के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक नोटिफिकेशन है जो अटल नगर रायपुर से जो है जारी किया गया है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा, और डेट आप देख सकते हैं 4/9/2021, ठीक है, यानी कि 4 सितंबर 2021 को ये जो है जारी किया गया है। और इसमें क्या कुछ बताया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए ये जारी किया गया। और आप यहां देख सकते हैं विषय में यहां पर दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट के आयोजन के संबंध में आपका प्रस्ताव द्वार 2021 संदर्भ जो है, ठीक है। अब यहां पर नीचे आप देखेंगे तो नीचे ये दिया गया है इसका जो मेन लेख, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है कि विषयांतर्गत जो है छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु 23 मार्च 2020 की तिथि निर्धारित की गई थी, यानी कि जो पहले डेट आपको दिया गया था 23 मार्च 2020 को आपके एग्ज़ाम होगा करके, ठीक है, किंतु कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी थी। आदेशानुसार मार्च 2020 से मार्च 2021 की अवधि में जो है बीएड डीएलएड परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का अवसर प्रदान करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट माह नवंबर 2021 में आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। तो साफ साफ इसका मतलब आप समझिएगा सरल भाषा में कि जिन्होंने 2020 से 2021 की जो अवधि में बीएड डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी कि जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, ठीक है, जिनका ब्लेंडेड मोड में एग्ज़ाम खत्म हुआ है, उनका रिजल्ट आ चुका है, तो वो भी फिलअप कर सकते हैं। अभी उनके फॉर्म फिलअप करने की फिर से डेट बताई जाएगी, बहुत ही जल्द आपको डेट बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि नवंबर 2021 में एग्ज़ाम लेना है, ठीक है, टेट का एग्ज़ाम आयोजित होना है। तो डेट यहाँ पर ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया गया है कि नवंबर में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और उससे पहले एक बार फिर से फॉर्म फिलअप करने का विंडो ओपन होगा और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो फर्स्ट ईयर माफ़ कीजिएगा जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं वो वाले स्टूडेंट, और उससे पहले के स्टूडेंट ने जो है पहले ही फॉर्म फिलअप कर चुका है, फॉर्म पहले से भर चुके हैं स्टूडेंट, तो उनका अब सीधा एग्ज़ाम होगा, उनको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी, एक बहुत बड़ी अपडेट थी टेट के लिए, यानी कि जो सीजी टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए। तो आप सभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, तो इस चैनल पर बने रहिएगा, इस चैनल पर आपकी तैयारी से रिलेटेड और जो है अपडेट से रिलेटेड सीजी टेट के रेगुलर अपडेट इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।